अब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो हम गर्ल्स क्या करती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती है, हमारा दिल करता है बस कंबल में लेट रहे और हमें खाने पीने का कुछ ना कुछ मिलता रहे और कोई काम ना करना पड़े, बस मज़े मज़े से कंबल में लेट रहे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मूंगफली वगैरह खाते रहें और वह कोई काम ना करना पड़े बस। इसी चक्कर में हम अपने आप को भी इग्नोर करती रहती हैं, अपनी स्किन को, अपने बालों को भी। जो स्पेशली हाउसवाइफ होती हैं वो क्या करती हैं, रंग बिरंगे खाने बनाती हैं कि विंटर सीजन आएगा हम ये ट्राई करेंगे, ये ट्राई रेसिपी, गाजर का हलवा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डिशेज बनाती हैं, बट क्या करती हैं, अपने आप को इग्नोर कर देती हैं बिल्कुल भी। गर्ल्स हो गई, बिजी गर्ल्स हो गई, वर्किंग गर्ल्स हो गई, सब अपने आप को इग्नोर कर देती हैं स्पेशली विंटर में। विंटर में क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हम पानी जब तो ध्यान नहीं देते, पानी पीते ही नहीं है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। बाकी हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह कमरे में बैठ के वो हम खाना नहीं छोड़ती, वो हम खाती रहती हैं, मूँगफली होगी, इस तरह की चीज़ें, लेकिन क्या करती हैं अपनी स्किन को इग्नोर कर देती हैं, अपनी एक बेसिक सी रूटीन को फॉलो नहीं करती, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, आपकी फेस, आपकी स्किन, आपके पाँव की एड़ियाँ, आपके हैंड्स, आपके लिप्स, हर चीज़ ख़राब हो जाती है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिलेंगे, आप ग्रूमिंग से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ड्रेसिंग से रिलेटेड, शूज से रिलेटेड, हर तरह के आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती है हम विंटर में क्या करें, और जो हम सबसे बड़ी गलती करती हैं अपनी डाइट की, हम डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बहुत अनहेल्थी खाती है, बर्गर्स, पिज्जे, चीज़ों को मेंटेन करना है, घर के काम भी करने हैं, खाने भी बनाने हैं, अपना भी ख्याल रखना है, अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सब के, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आ गई हूँ हाउसवाइफ के लिए, गर्ल्स के लिए, नॉन वर्किंग गर्ल्स के लिए और बिजी गर्ल्स के लिए और बिजी मोम्स के लिए। तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन पे, जो हमारी टिप एंड ट्रिक है स्पेशली विंटर सीजन के लिए, ये बेसिक सी स्किन केयर रूटीन में आप लोगों को बताने लगी हूँ, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ें अप्लाई नहीं करनी, सिंपल सी एक बेसिक सी आप लोगों ने अपनी रूटीन रखनी है, जिसको आप इजिली फॉलो कर सके मॉर्निंग के टाइम भी और नाइट के टाइम भी, ताकि आपकी स्किन से ड्राइनेस खत्म हो जाए और स्किन ग्लो भी करे, मॉइस्चराइज भी रहे। तो नंबर वन पे आप लोगों ने मॉर्निंग में आप लोगों ने जब भी उठना है फेस वॉश से, आप लोगों ने अपना फेस को वॉश कर लेना है। तो कोई भी आप फेस वॉश ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों की स्किन नॉर्मल है तो वगैरह नहीं है, तो आप क्रीमी फॉर्म में जो इस तरह से मिलते हैं फेस वॉशेस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्नी है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड रहती है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जेल फॉर्म में आप लोगों ने फेस वॉश यूज़ करना है। देन उसके बाद अगर आपके पास कोई टोनर है तो सही है, नहीं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल रोज़ वाटर से अपने फेस को स्प्रे कर देना है। तो इसके बाद फिर फेस जब हल्का हल्का वेट हो तो उसके ऊपर आप लोगों ने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। कोई सा भी आप लोग मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, बजट के हिसाब से, लेकिन आप लोगों ने अप्लाई ज़रूर करना है। पॉन्ड्स का ले सकते हैं आप, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मॉइस्चराइजर लगाना है आप लोगों ने, पॉन्ड्स के भी बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर हैं, तो पॉन्ड्स का भी आप लोग ले सकते हैं। तो ताकि आप लोगों की स्किन पूरा दिन मॉइस्चराइज रहे। तो देन इसके बाद आप लोगों ने सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, विंटर है, हमने छत पे भी बैठती हैं, बाहर भी निकलती हैं, हम लोग सूरज का इंतज़ार कर रही होती हैं विंटर में स्पेशली, के सूरज अभी तक निकला नहीं है, बहुत सारे काम भी करने होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सन ब्लॉक लगा के अपने बाकी के सारी रूटीन के काम करने हैं। विंटर में सन ब्लॉक अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन डैमेज होने से बच जाएगी, हमारी स्किन ख़राब नहीं होगी, सन टैन भी नहीं होगा। अक्सर विंटर में हम सब के कलर्स बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो आपने इसको इस लाजमी अप्लाई करना है। तो जब भी बाहर जाते हैं तब भी। तो अब बात करते हैं अपने हैंड और फीट के केयर के बारे में। तो आप लोगों ने जब भी सोना है तो आप लोगों ने लाजमी हाथों पैरों पर लोशन लगाना है, और जब भी मौका मिले अपने हाथों को मॉइस्चराइज करते रहना है। जब भी कोई काम वगैरह करके फारग हो तो आप लोगों ने अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर लेना है। और रात को सोने से पहले आप लोगों ने वैसलीन अपने पाँव पर लाजमी लगा के सोनी है। देखिए सिंपल सी चीज़ें जो हर घर में मौजूद होती हैं, वैसलीन हर एक के पास होती है, आप फेस पर भी लगा सकती हैं, आप हाथों पर भी लगा सकती हैं। ये देखिए अगर आप अपने हाथों को मॉइस्चराइज करेंगे तो कितना हाथों पे ग्लो आएगा, आप ग्लो चेक करें, नहीं तो हाथ इतने वाइट वाइट से, अजीब से ड्राइनेस सी हो रही होती है। वैसलीन अगर आपके पास हो तो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है विंटर में, स्पेशली हमारे पाँव पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, अपने हाथों पे लगा सकते हैं, और स्पेशली लिप्स पे, हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वैसलीन तो भी आप लिप बाम ले सकते हैं, वो आप लोगों ने लिप्स पे लाजमी रात को लगा के सोना है। दिन में भी जब आप स्किन केयर रूटीन से फारग हों, लिप बाम लाजमी लगाना है, क्योंकि जब हमारे जो लिप्स हैं जब ड्राई ड्राई होते हैं तो इतने बुरे लग रहे होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज रखना है। तो चलिए शावर रूटीन आप लोगों ने ये नहीं करना कि विंटर है कि
चार चार दिन नहाना ही नहीं है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी एक दिन छोड़ के या डेली ने शावर लेना है। आप लोग कोई भी अच्छा सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने शावर लेने के बाद आप लोगों ने अपनी कोई बॉडी वाटर लगाना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो भी मॉइस्चराइज रहे। कोई लोशन आप लोगों ने लगाना है। तो चलें जी, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, चाहे समर्स हो चाहे विंटर हो, आप लोगों से अच्छी खुशबू आनी चाहिए। तो ड्योड्रेंट्स लास्ट में आप लोगों ने लगाने हैं, चाहे विंटर हो चाहे चाहे कैसा भी मौसम हो। बेशक विंटर हो, स्मेल जब आनी होती है तो आ ही जाती है, तो आप लोगों ने लास्ट में ड्योड्रेंट्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप बॉडी स्प्रे लगाएं, बॉडी मिस्ट लगाएं, परफ्यूम लगाएं, तो लास्ट में आप लोगों ने अपनी रूटीन में ये सब कुछ शामिल करना है। जी हेयर केयर, तो विंटर में हमारे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऑयल लगाना छोड़ देते हैं, बालों की केयर नहीं करती, बस विंटर में नहाने से डरती रेडी होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, एलोवेरा जेल भी आप बालों में लगा सकती हैं। ऑयलिंग आप लोगों ने लाजमी नहाने से पहले वीक में दो बार लाजमी ऑयलिंग करनी है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप लोग ऑयल मत लगाएं। नॉर्मली आप लोगों ने ऑयलिंग लाजमी करनी है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग बाज़ार से मार्केट से खुशबू वाले जो ऑयल मिलती है वही बालों में लगाएं। सरसों का प्योर खालिस ऑयल से आप लोग मसाज करें, बहुत बेस्ट होता है, तो लाजमी मसाज करना है। जी हमारी स्किन केयर हो गई है, स्किन केयर भी हो गई है, फीट केयर भी हो गया, हेयर केयर भी हो गई। बात करते हैं अपने ड्रेसिंग के बारे में, विंटर में हमने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह के हमने ड्रेसेस स्टिच करवाने हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो ड्रेस पहनने के लिए निकालना है, तो देखें आप लोगों ने इसका कलर क्या है। और जब आप लोग ड्रेसेस ले रहे हों, ड्रेसेस की सिलेक्शन करनी है, अगर आप बाजार हों ड्रेसेस लेने हों, तो विंटर में कोशिश करें डार्क कलर लें और अपनी स्किन टोन को समझें। अगर आपकी स्किन लाइट टोन में है तो आप लोगों ने डार्क कलर, ब्लू हो गया, मैरून हो गया, रेड हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं कलर्स पहने हुए। विंटर में वैसे भी डार्क कलर बड़े मजे के लगते हैं पहने हुए, तो आप लोगों ने डार्क कलर का इंतखाब करना है। लाइट वेस्ट पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट अच्छे नहीं लगते विंटर में, तो मौसम इतना अच्छा है तो दिल करता है अच्छे खिले खिले कलर्स पहने। और आप लोगों ने ड्रेस को जब भी स्टिच कराना है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग स्टिच करवाना है, बहुत ज़्यादा ना टाइट हो, बहुत ज़्यादा ना ही लूज हो। देखना है किस तरह की हमारी हाइट है, अगर हमारी हाइट थोड़ी छोटी है तो आप लोगों ने क्या करना है, फुल पाँव तक लॉन्ग शर्ट नहीं पहननी, आप लोगों का ट्राउज़र नज़र आना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट नज़र आएँ, आप लोगों की एक पर्सनैलिटी इन्हेंस हो, ग्रूम नज़र आएँ, बहुत खूबसूरत लगें, अपनी एज से कम लगें। क्योंकि जब आप लोगों ने अच्छा ड्रेस पहना होता है, अच्छा ड्रेस को कैरी किया होता है, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है। तो आजकल तो कपड़ों से ही बंदा पहचाना जाता है कि किसने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, स्टाइलिंग की हुई है। और जब भी ड्रेसेस स्टिच करवाएं थोड़ी बहुत डिटेलिंग दे दिया करें, और जितना ड्रेस सिंपल हो उतना एलिगेंट लगता है, लेसेस भी अच्छी लगती हैं। जिस तरह से ये मेरा ड्रेस है, खदर का ड्रेस है, अपना सतरंगी से मैंने अनस्टिच टू पीस लिया था, तो आप देख सकते हैं इसका प्रिंट सिंपल रेड येलो कलर में इसमें प्रिंट्स हुए थे। तो देखिए इसकी नेक लाइन कितनी सिंपल मैंने रखी है, पत्ता सा मैंने बनाया हुआ है, और इसके स्लीव इतने मज़े के हैं, स्लीव पे डिटेलिंग है सारी, माय फेवरेट स्लीव है। फिर देखें इस तरह से ट्रायंगल तीन बना के लगा दिए गए, इसकी शेप चेक करें स्लीव की, इतने मज़े क्या लगते हैं। आप इसे पहन के मैं कहीं जा भी सकती है, मैं इसे पहन के बाहर गई, सबने इतना पसंद किया इसकी स्लीव, इतनी अच्छी लुक दे रही थी। कोई आपको हैवी ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की सिंपल ड्रेसेस को बस आप लोगों ने पता हो स्टिच किस तरह से करवाना है। जितना ड्रेस हमने अच्छा स्टिच किया करवाया हुआ होगा उतना ही पहना हुआ अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हैं इसके लिए इतने मज़े की लग रहे हैं, बहुत मज़े की लुक दे रहे थे। तो विंटर है तो हम लोग एम्ब्रॉयडरी वाले भी पहन सकते हैं, क्योंकि समर्स में होता है एम्ब्रॉयडरी चुभड़ी होती है, हम बहुत एरिटेट हो रहे थे, तो एम्ब्रॉयडरी वाले भी पहन सकते हैं। तो जिसकी बॉडी थोड़ी हैवी है तो वो लीलन के पहने, और जिसकी थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, तो खद्दर भी पहन सकते हैं। वैसे तो हर तरह के कपड़े, हर तरह का स्टफ आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने मेनटेन करके, थोड़ा सा आप लोगों ने स्टाइलिंग करके आप लोगों ने पहने हैं, ताकि आप लोगों की एक अच्छी सी लुक निकल के आए, आप लोग खूबसूरत लगे। ट्राउज़र आप लोगों ने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा तंग ना रखवाएं, थोड़े बॉक्स टाइप रखवाएं। कल शलवारों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, तो आप लोग शलवारें भी बनवा सकते हैं बेल्ट वाली। और जी हमको हमारे ड्रेस को चार चांद तब लगती हैं जब हमने ड्रेस के साथ हल्की फुल्की सी मिनिमल सी ज्वेलरी कैरी की हो, सिंपल सी रिंग्स पहनी हो, और सिंपल सा ब्रेसलेट हो गया, बैंगल्स हमने पहना हो, तो हमारी एक लुक बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है, तो हम बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाले लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहननी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप लोगों ने क्या करना है, तो सिंपल ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है। अगर शादी वगैरह है तब तो आप लोग हैवी लें, शादी पे पहननी हो तो, लेकिन नॉर्मली घर पहनने के लिए आप लोग इस तरह के गोल्ड के आजकल बड़ा ट्रेंड है, तो इस तरह से आप लोग ले सकते हैं कानों में पहनने के लिए। हाउसवाइफ हैं वो स्पेशली कुछ ना कुछ लाजमी पहने।
वो अपने बाजू को भी बिल्कुल खाली ना रखें, जो हाउसवाइफ होती है। इस तरह से टू बैंगल्स आप लोग ले सकते हैं। इस तरह की गोल्ड की ज्वेलरी आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा मिलती है मार्केट में, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आप लोग लेके रखें। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो नॉर्मल से इसकी रेंज है। इस तरह से ब्रेसलेट पहन लिया करें, बैंगल्स पहन लिया करें, और सिंपल सी गोल्ड कलर की रिंग पहनने में बहुत अच्छी लगती है इस तरह से, तो आपके हाथ बहुत खूबसूरत लगते हैं जब इस तरह की हमने रिंग। और उन्हें लाजमी इन्वेस्ट करना है इस तरह के, आप लोग इकट्ठा लेके रख लें, तो जब भी कोई ड्रेस चेंज करें इस तरह के साथ आप लोग इयर रिंग पहने, बालियाँ पहने, ये देखें इयरिंग्स पहने, बड़ी अच्छी लगती हैं पहने हुई। अगर आप विंटर में अट्रैक्टिव नजर आना चाहते हैं कहीं भी आए जाए, तो आप लोगों ने अपने शूज़ का लाजमी ध्यान रखना है। शूज़ नीट एंड क्लीन पहने और अपने सीज़न के हिसाब से आप लोगों ने पहने हैं। अगर विंटर है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो कोशिश करें इस तरह के पहने, बंद पम्प्स पहन लें, खुले शूज़ पहन के आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। इस तरह के शूज़ विंटर में, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो आप लोगों ने खुले शूज़ पहन के बिल्कुल, घर में आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन कहीं बाहर जा रहे हो तो बंद पहने, तो बंद पहनने भी अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप हील वाले पहन सकते हैं और अच्छे से आपने स्टाइलिंग करनी है। आपने बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, गर्म ड्रेस वेलवेट का सूट पहना है, और नीचे से आप लोग खुले शूज़ पहन के चले जाएँ, बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे। तो आप लोगों ने जिस तरह वेलवेट की फ्रॉक सी पहनी हुई है, तो मैक्सी टाइप, तो आप लोगों ने इसके साथ हील वाले आप बंद पम्प्स में कोई भी कोट शूज़ की पहन सकते हैं। तो आपने शूज़ की तरफ लाजमी ध्यान रखना है किस तरह क्या पहन के जा रहे हैं। तो हल्का फुल्का साथ विंटर में मेकअप भी कर करके मेकअप को आप लोग स्किप कर सकते हैं घर में। स्किन केयर के बाद आप लोग कोई टिंट अप्लाई करें अपने चीक्स पे, अपने लिप्स पे, तो ऐसा लगेगा तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। आई होप आप लोगों को ये ग्रूमिंग टिप्स अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।